सूखी कचौली खाते ही मजा आएगा, गीली होते ही महा मजा हो जाएगा। कचौली ऐसी 84 कोस में ढूंढे नहीं मिले। ये चीज आलू का झोल सिर्फ चतुर्वेदी ब्राह्मण ही बना सकता है। इसको एक घूट पी के देख ले, पीते ही ऐसा लगेगा जैसे कल्याण हो गया। यहाँ की कचौड़ी और सब्जी बहुत अच्छी, बहुत 40 दिन लगातार खा ले तो गाल लाल हो जाए बेटे। अभी हमें मथुरा के विश्राम घाट पर, जहाँ पर एक नाश्ते की बहुत फेमस शॉप है रूपा कचौड़ी वाले के नाम से। नमस्कार भैया। जय हो श्री राधा रानी की। जय हो राधा रानी की। भैया यहाँ पे क्या क्या मिलता है अपने पास? बेहतरीन पोहा। बेहतरीन पोहा एमपी फ्लेवर, ये खम्मो ढोकला फाफड़ा गुजरात फ्लेवर। तो आप यूपी में बैठे हैं मथुरा में और आप एमपी और गुजरात की चीजें खिला रहे हो? नहीं, ऐसा है कि यहाँ द्वारकाधीश मंदिर और श्री यमुना जी पूरा ब्रह्मांड दीवाना है ब्रज का। गुजरात को फुर्सत मिली तो वो भक्के आया, महाराष्ट्र को फुर्सत मिली तो वो भक्के आया ब्रज में, और आप ब्रज में जो भी आएगा उसे वहीं का वही खिलाते हैं। तो अपने यहाँ पे कचौड़ी मिलती है? कचौड़ी ऐसी 84 कोस में ढूंढे नहीं मिले। क्या भैया? 84 कोस में ढूंढे नहीं मिले ऐसी कचौड़ी मिलती है। और साथ में भैया मैंने सुना है कोई आलू का झोल होता है जो केवल यही मिलता है। हाँ बेटे, एक घूट पी के देख ले, पीते ही ऐसा लगेगा जैसे कल्याण हो गया। पीते ही जैसे कल्याण हो गया। तो आप दिखाइए पहले अपना आलू का झोल कौन सा है। ये चीज आलू का झोल, चाय की तरह घूट लगाओ उसकी। चाय की तरह झोल की घूट लगाए तो ये केवल ब्रज में मिलेगा? हाँ ब्रज में ही मिलेगा और कहीं नहीं। सिर्फ चतुर्वेदी ब्राह्मण ही बना सकता है इसको, और कोई दूसरी कौम बना भी नहीं सकती। और कोई दूसरी कौम बना भी नहीं सकती है। और भैया अपने यहाँ पे जलेबी भी मिलती है? जलेबी ऐसी कि 40 दिन लगातार खा ले और उसके ऊपर दूध पी ले एक गिलास तो गाल लाल हो जाए बेटे। 40 दिन खाने से गाल लाल हो जाए? आंटी जी देखो बहन क्या कर रही है। हम दौली पे होके यहीं से हैं, द्वारकाधीश आते हैं और यहाँ की कचौड़ी और सब्जी बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट। तो आप कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ पे? काफी देर लगे भैया, 28-29 साल है मुझे। 28-29 साल से खा रहे हो आप यहाँ पे? द्वारकाधीश आते हैं ना तभी तो इनके यहीं पे खाते हैं। तो आंटी जी को बहुत पसंद है यहाँ का। तो ये अपना आ रहा आलू का झोल जी बाबूजी। तो भैया आप मथुरा से ही हो या कहीं और से हो? मथुरा छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है और करीब 18 पीढ़ी हो चुकी है हमारी। 18 पीढ़ी हो चुकी है। इन भैया से पूछो कैसा लगा। अंकल आप पहली बार खा रहे हो? पहले भी खाया आपने? पहली बार आया जी, बहुत स्वाद लगा। हमारे वहाँ की कचौड़ी अच्छी है लेकिन इसके मुकाबले कहीं भी नहीं है। सब्जी पहले नंबर की ऐसी कहीं नहीं मिल सकती है। क्या जी? ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिल सकती। ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। कचौड़ी मिल जाएगी, सब्जी नहीं मिल सकती। तो सभी का यह बोलना है कचौड़ी ऐसी मिल जाएगी लेकिन जैसा आलू का झोल है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें क्या खिलवाएंगे आप? आप जो भी लेंगे हर आइटम पे ऐसा लगेगा जैसे मुझे डबल पैसे देने पड़े। अरे हाँ इतना बढ़िया। हर आइटम के ऐसे लगेगा जैसे डबल पैसे ले ले भाई तू उससे। तो पहला आप कचौरी खिलवाइए आप। इसका प्राइस कितना रहता है भैया एक प्लेट का? ये पहले तो इसका मसाला देख। अरे वाह, ये किस चीज का मसाला है भैया इसके अंदर? मूंग दाल का मसाला। कचौरी में मूंग दाल का मसाला है? एक हफ्ते खराब नहीं होगी भुना हुआ मसाला। तो कोई बाहर से आ रहा है तो लेके भी जा सकता है? आए दिन बम्बई बड़ौदा गुजरात में जाती रहती है। अच्छा कचौरी अपनी जाती रहती है यहाँ से। तो ये देखिए मसाले की कितनी बेहतरीन फीलिंग है। सूखी कचौड़ी खाते ही मजा आएगा। सूखी कचौड़ी खाने में मजा आएगा? हाँ, और तो गीली होते ही महा मजा हो जाएगा। अच्छा महा मजा हो जाएगा। तो सूखी का ये सूखी में लेता हूँ अभी जो आलू का झोल डाल के इसको गीला करके महा मजा किया जाएगा। सूखी खा के सच में मजा आ गया। अंदर मूंग की दाल का हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है और कचौड़ी है डीप फ्राइड है, ओल्डी महसूस नहीं हो रही है। सूखी में मजा आ गया, गीली देखते हैं गीली में महा मजा आएगा या नहीं आएगा। जो आलू का झोल है वो सच में जबरदस्त हो रखा है। मिर्ची नहीं लग रही है, मसाला है, केवल मसालों का स्वाद आ रहा है। भैया मिर्ची है इसमें नहीं है? लाल मिर्ची तो ढूंढे नहीं मिलेगी भैया। नहीं लाल मिर्ची तो मिर्ची का स्वाद नहीं आ रहा है। जो स्पाइसीनेस आ रही है वो मसालों की आ रही है और कचौरी झोल में जाने के बाद और भी स्वादिष्ट लग रही है। मजा आ गया बिल्कुल। 25 रुपये प्लेट इसका प्राइस है और मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर मथुरा आ रहे हैं और ये रूपा कचौड़ी वाले पर कचौड़ी नहीं खा रहे हैं मतलब आप मथुरा में कुछ मिस करके जा रहे हैं। ये चीज जरूर खाइएगा, बेहद स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट। मुझे कचौड़ी बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेस्टर्न फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।